वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू मैच में 3 विकेट झटक, इस बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर गए नवदीप सैनी। भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार T20 डेब्यू किया है। नवदीप ने धारदार गेंदबाजी करते हुए विंडीज टीम के मुख्य बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नवदीप के आगे कैरेबियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। बेहतरीन स्विंग और पेस के मिश्रण से सीरीज के पहले T20 मैच में वे छक गए। गेंद से अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरते हुए नवदीप ने 4 ओवर में मात्र 17 देकर विंडीज के 3 बल्लेबाजों के विकेट झटके। नवदीप की इस गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। भारत की तरफ से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच चुने जाने वाले वे 7वें खिलाड़ी बने। T20 के अपने पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे दिनेश कार्तिक, जिन्हें 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द मैच चुना गया था। उनके बाद स्पिनर प्रज्ञान ओझा 2009, एस बद्रीनाथ 2011, अक्षर पटेल 2015, बरिंदर शरण 2016 और अब विंडीज के खिलाफ नवदीप सैनी मैन ऑफ द मैच बने। नवदीप ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए जिन्होंने T20 मैच में अपना आखिरी ओवर मेडन फेंका। नवदीप से पहले भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज ने आखिरी ओवर मेडन नहीं फेंका है। वेस्ट इंडीज खिलाफ भारत सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला रविवार को फ्लोरिडा में खेलेगा।